और पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के रेफरेंस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशियल रिमांड में 9 दिसंबर तक की तौसी। एहतसाब अदालत ने वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट को आइंदा समात पर तलब कर लिया। साथियों को रोकने पर ख्वाजा साद रफीक गुस्से में आ गए। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत लाहौर की एहतसाब अदालत में हुई। जेल हुकाम की जानिब से जुडिशियल रिमांड खत्म होने पर ख्वाजा बरादरान को अदालत में पेश किया गया। ख्वाजा बरादरान की पेशी के मौके पर अहाते अदालत में बड़ी तादाद में मौजूद सादा कपड़ों में मलबूस अहलकारों ने लीग के वकला और मीडिया नुमाइंदों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया, जिस पर लीग के कारकुनों और पुलिस के दरमियान तकरार और तल्ख कलामी हुई। पुलिस की जानिब से लीगी कारकुनों को कमरे अदालत में जाने से रोकने पर साबिक वजीर ख्वाजा साद रफीक शदीद बरहम हुए और अपने साथियों को सिक्योरिटी हिसार से निकाल कर कमरे अदालत में ले गए। अदालत में बदनज़मी के बाइस एहतसाब अदालत के जज ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी करते हुए वादा माफ गवाह कैसर अमीन भट्ट को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया।